अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज है जी जुमा का दिन, मैं थोड़ा सा लेट उठा था, अभी नहाया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, अभी करते हैं नाश्ता, फिर देखते हैं कि क्या सीन है, क्या नहीं, क्या कैसा दिन गुजरता है, क्या क्या मसरूफियत रहती है। क्यों बोलते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, इसलिए हम भी पहले अपनी पेट पूजा करेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। काफ़ी देर हो चुकी है, जुमा नहीं पढ़ा कोरोना की वजह से, तो आज ट्राई करेंगे जुमा पढ़ने की। अगर पढ़ने की इजाज़त मिली तो लाजमी हम जुमा पढ़ेंगे, क्योंकि जुमा काफ़ी देर से हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ओके, तो पहले कर दिया जी नाश्ता। अभी टाइम हो चुका है जी डेढ़ का और हमें पढ़ना है जुमा। जुमा हमने पढ़ना काफ़ी देर बाद, हमें ये भी कंफर्म पता नहीं है कि वो जुमा पढ़ने देंगे या नहीं, लेकिन ये उन्होंने बोला कि जिसकी दो डोज़ कंप्लीट है वो जुमा पढ़ सकता है। तो मेरी सबकी जो डबल डोज़ है वो हो चुकी है, तो अभी हम जाएंगे मस्जिद में और देखेंगे जुमा पढ़ने देते हैं या नहीं। अगर एक जुमा ना पढ़ें तो दिल जो है वो थोड़ा सा काला हो जाता है, अगर दो ना जुमा पढ़ें, अगर दूसरा जुमा भी ना पढ़े तो जो दिल है उस पर थोड़ी ज़्यादा और काली हो जाती है, अगर तीन जुमा ना पढ़े तो आपका जो दिल है वो बिल्कुल काला हो जाता है। तो हमने तो मेरा ख्याल है एक डेढ़ साल से जुमा नहीं पढ़ा, तो हमारे दिल का क्या हाल है, लेकिन अल्लाह ये बेहतर जानते हैं कि हमने मजबूरी की वजह से जुमा छोड़े हैं, अदरवाइज़ हम लोग जुमा पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। तो अभी इंशाल्लाह जैसे हालात बेहतर होंगे तो सब जो जुमा वो पढ़ा करेंगे। बारिश भी आ चुकी है जी, लेकिन बारिश रहमत होती है माशाल्लाह, और वो सामने हमारी मस्जिद है। Islam memastikan sesuatu bahan makanan atau barangan itu benar-benar halal dan tidak mengandungi unsur-unsur haram. Ialah sebelum kita membeli sesuatu makanan atau barangan, kita boleh melihat ia halal yang terdapat pada bahan makanan dan barangan tersebut. मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सख्ती की हुई थी और उन्होंने बोला था कि सोशल डिस्टेंस का ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है और कोई किसी के पास नहीं बैठेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस आपने रखना है, और जो जाए नमाज है वो हर बंदा अपनी अपनी ले के आएगा, और हम लोग भी अपनी जाए नमाज साथ ले के गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मेरा ख्याल है एक साल के बाद हमने जुमा पढ़ा और बहुत अच्छा फील हुआ है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि इस तरह ही जुमा वो हर जुमा में लोग अदा करें। अल्लाह ताला से दुआ कि सब ठीक हो जाए और ये जुमा की जो रौनकें इसी तरह बहाल रहें और सब लोग जुमा पढ़ें। तो मैं अभी अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि इन्होंने अभी कितनी देर बाद जुमा पढ़ा है और कैसा महसूस हुआ। वो अच्छा लगा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तकरीबन जो करोना आया पहली दफ़ा उन्हें थानू वरण दिता, वो भी दो वैक्सीन दो डोजा कंप्लीट हो गई ओके, हले भी कंप्लीट ना होंगे तो सू हले भी नहीं सात ओके। अभी मैं पूछता हूँ तो ईद से कि तुहीद को जुमा पढ़ के कैसा महसूस हुआ, तकरीबन एक या डेढ़ साल के बाद हमने जुमा पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, सबको जुमा मुबारक हुआ। आज बहुत खुशी हुई, दिल खुश हो गया है। तकरीबन पूरे 15 महीने या 16 महीने बाद जुमा पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अल्लाह पाक ने तफीक दी जुमा पढ़ने की और गवर्नमेंट की इजाज़त थी, क्योंकि दो डोज लग चुका था, तो इसी वजह से आज बहुत खुशी हुई। अल्लाह हाफिज़। लंच करने के बाद याद आया कि यार अभी तो कपड़े वॉश करने वाले हैं, सो सोचा कि पहले ये वाला काम भी ख़त्म कर लें, क्योंकि इधर कल भी खुद करना है आज भी खुद करना है, सो अच्छे इसको टाइम से ख़त्म कर लो। मैं और तहीद दोनों आए लॉन्ड्री पे, तो अभी मशीन में ये डाल दिए हैं कपड़े, मेरा ख्याल है ये ड्रायर है और ये 25 मिनट लेगी, तो 25 मिनट के बाद जो हमारे कपड़े हैं वो बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे और हम अपनी बाल्टी में डालेंगे और वापस घर आ जाएंगे। ये काम आसान है, घर में धोने से बेहतर है यहाँ पर धो लें। लॉन्ड्री से वापस आने के बाद सो गया था मैं, तो जब उठा तो पता चला जी ड्यूटी का टाइम हो गया, तो बस भी आ चुकी थी हमारी जो हमें ड्यूटी पे लेके जाती है, तो हम सब लोग बस में बैठ गए।
हमारी जो काम वाली जगह वो ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही है, तकरीबन 10 मिनट तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। रास्ते में कभी कभी ट्रैफिक होती है तो थोड़ा लेट हो जाता है, अदरवाइज़ हम 10 या 15 मिनट के दरमियान उधर पहुँच जाते हैं। तो मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। टाइम कम होने की वजह से मैं रोज़ डेली व्लॉग नहीं बना पाता, इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगा कि रोज़ कोई ना कोई वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।